Hello everyone, in this video I will discuss questions related to differentiation and integration. Okay, and this is part 3 of motion in a straight line. Okay, now we will discuss question. A particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given by s is equals to t cube minus 6t square plus 3t plus 4 meter. This is displacement. The velocity आपको find out करनी है जब acceleration कितना होगा zero. ठीक है, देखिए एक particle है जो straight line में जा रहा है और उसका जो displacement है t time में वो आपको given है. ठीक है, velocity आपको find out करनी है. कब find out करनी है velocity? जब acceleration आपका zero होगा. ठीक, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट कितना, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं. वेलोसिटी होती क्या है, जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वेलोसिटी आती है, जब हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी आती है. ठीक है, और तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन ds ओवर dt होगा, इज इक्वल्स टू d ओवर dt. s की जगह हम ये लिख देंगे t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4. ठीक है, अब देखिए v इज इक्वल्स टू, जब हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये देखिए अब हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो जो पावर में होता है वो मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है. प्रीवियस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताई हुई हूँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वो प्रीवियस वीडियो देखिए तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा. ठीक है, तो देखिए ये आपका जो पावर में है वो यहाँ पर लिखेंगे टी लिखेंगे टी, उसके बाद जो पावर में है उसमें से क्या करते हैं माइनस वन कर देते हैं. ठीक है, देन माइनस सिक्स इंटू टू कर देंगे, जो पावर में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. फिर टी लिखेंगे जो पावर में है उसमें से माइनस वन कर देंगे प्लस थ्री. किसी भी इस तरीके की जो टर्म होती है उसका जो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये नहीं लिखी जाती है. ठीक है, जो ये कॉन्स्टेंट टर्म है बस ये कॉन्स्टेंट टर्म लिखी जाती है, प्लस ये फोर तो कॉन्स्टेंट टर्म है ही. तो जब हम किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ज़ीरो होता है उसका डिफरेंशिएशन, क्या होता है ज़ीरो. ठीक है, तो ये आ गया आपका वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, थ्री टी, थ्री माइनस वन क्या होगा टू, माइनस सिक्स टू जा ट्वेल्व, टी टू माइनस वन वन प्लस थ्री, ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है. ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था जब हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो हम अब एक्सेलरेशन निकाल लेंगे. एक्सेलरेशन कितना होता है डी वी ओवर डी टी, ए इज इक्वल्स टू डी ओवर डी टी, वी की जगह लिखेंगे थ्री टी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व टी, वन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस थ्री. ए इज इक्वल्स टू थ्री, मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे पावर को, टू ये आ गया यहाँ पर टी माइनस ट्वेल्व, यहाँ पर केवल ट्वेल्व आएगा, प्लस ज़ीरो. थ्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा ज़ीरो. ठीक है, अब देखिए ए इज इक्वल्स टू थ्री टू जा सिक्स टी माइनस ट्वेल्व, ये अब आपका एक्सेलरेशन आ गया. आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखिए एक्सेलरेशन जब ज़ीरो होगा तब आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो फॉर ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ए की जगह वैल्यू लगाइए, ए की कितनी निकाली अभी आपने, देखिए 60 माइनस 12, तो ये यहाँ पर लगा दीजिए, ए की जगह लिख देंगे 60 माइनस 12 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. यहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं, t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो ये 12 उधर जाएगा पॉजिटिव में, अपॉन 6 हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये आपका टाइम आ गया 2 सेकेंड. अब देखिए एट t
इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड. 2 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी तो फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं. देखिए 2 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालनी है हमें, तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू ये निकाली थी. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू है आपके पास 3t² - 12t + 3. टी की वैल्यू आप 2 लगा दीजिए. वी की वैल्यू इज इक्वल्स टू, वी इज इक्वल्स टू 3, टी की जगह 2 लगा देंगे, माइनस 12, फिर टी की जगह 2 लगा देंगे, प्लस 3. वी इज इक्वल्स टू 2 जा 4, 3 जा 12, माइनस 12 2 जा 24, प्लस 3. व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट द आंसर -9 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये आपका हो गया डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन. अब मैं आपको एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करके बताऊंगी. देखिए आपके पास क्वेश्चन है इवेलुएट द इंटीग्रल, इवेलुएट द इंटीग्रल. ठीक है, देखिए कैसे करेंगे आप. आपके पास जो है ये है क्वेश्चन, वो है x²(dx)1 - 5. ठीक है, ये आपके पास है. अब आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है आपको इसका. जब आपको इस तरीके से ये दिया हुआ होता है ना और dx लिखा होता है, तो मतलब इसका यही होता है कि इंटीग्रेशन करना है. कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले 1 - 5 x²(dx) इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट लगाएंगे आप यहाँ पर, x का करना है ना आपको. इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था 2 + 1 करते हैं, अपॉन में भी 2 + 1 ही करेंगे. जो पावर में है उसमें 1 + कर दीजिए, जो पावर में लिखा आपने वही आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए. यहाँ पर आपको 1 - 5 लिखना है. इसके बाद देखिए x की पावर आ गई है आपकी 2 + 1 - 3 अपॉन 2 + 1 - 3. ठीक है, 1 - 5. अब क्या करना है आपको, एक बार x की जगह 5 लिखना है, फिर माइनस करना है और फिर x की जगह 1 लिखना है. सबसे पहले तो हम जो भी आपकी कांस्टेंट टर्म है उसको ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं. 1/3 है ना, केवल ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल टर्म रहेगी x³. 1 - 5 इज इक्वल्स टू 1/3, ब्रैकेट में x की जगह पहले 5 लिखेंगे तो 5³ माइनस 1 लिखेंगे फिर ब्रैकेट x की जगह, तो ये 1³ हो जाएगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 1/3 ये वाला 1/3, 5³ करेंगे तो क्या आएगा, 125 आ जाएगा. 5³ होता है 125, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 124/3. दिस इज योर आंसर. ओके, तो ये आपके मैंने दोनों तरीके के आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं, इंटीग्रेशन का भी और डिफरेंशिएशन का भी. ठीक है, ये आपका मेन फॉर्मूला है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था, इसमें भी दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार. डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू dt^n/dt इज इक्वल्स टू nt^n-1. इंटीग्रेशन का t^n इज dt इज इक्वल्स टू t^n+1/n+1. ओके, इफ़ माई वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. और सारी वीडियोज़ देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो मेरी वीडियोज़ क्योंकि बहुत छोटी हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से. थैंक यू.